कुछ दिनों से ये बात चल रही है कि जिसे जिनका नाम है लक्ष्मी देवी, जिनका नाम हम लोगों के इंडिया के श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, जिनके संग में उनका फोटो आया था और जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके घर के लिए उनका फोटो जो न्यूज़पेपर में छपा है, आज हम लोग उन्हीं से मिलने के लिए आए और ये हकीकत जानने के लिए आए उसके पीछे का माजरा क्या और उनका फोटो क्यों आया और कैसे आया। चलिए उनसे मिलते हैं और हम लोग उनसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि उनका ये घर है, उनका ये घर है। अब मैं उनसे कुछ बात करता हूँ कि माता जी पहले ये बताएं कि ये फोटो जो आपका छपा है आपको पता कैसे चला? आपको कुछ पता नहीं चला? आपको पता भी नहीं था कि आपका फोटो लिया गया है? अच्छा, आपको ये पता कब चला कि आपका फोटो पेपर में छपा है, कब पता चला? कुछ पता ही नहीं है, तो पेपर सब पढ़ रहा था तो हमको दिया, सुबह में दिखा रहा था, सो के उठा ना तो हमको सब दिखा रहा। अच्छा, पेपर देखा हम बीमार की लिखा। अच्छा, अब देख सकते हैं ये हालत कि इनका बिन पूछे इनका फोटो डाला गया है और इनको पता भी नहीं था कि इनका फोटो छपा है। और आप ये देख सकते हैं, आप ये बताएं कि आप ये फोटो के बारे में सुन के आप बीमार पड़ गए? हमको का नाम है, हमको कुछ नहीं चाहिए, जो मेरा फोटो खींचा उसको पकड़ के मेरे सामने है। देखिए लक्ष्मी देवी जी बोलने मांगते हैं, आप कुछ नहीं। देखिए लक्ष्मी देवी जी चाह रहे हैं कि जिन्होंने जिस रिपोर्टर ने ये फोटो जो टेलीकास्ट किया न्यूज़पेपर में, सिर्फ वो चाह रही है कि जिन्होंने इनका फोटो खींचा वो इनके सामने और उनसे माफी मांगे क्योंकि बिन पूछे इनका फोटो इस्तेमाल किया गया। और मैं ये जानना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं इनका छोटा सा 10x5 का इनका घर है और इनका घर ये किराए के घर में रहते हैं, इनका खुद का भी घर नहीं है। जहाँ तक हम लोगों को ये पता चला इनके आस पड़ोस के लोगों ने बताया ये सिर्फ किराया। कितना रुपये किराया आपका ये घर का? 500 रुपये किराया। आप कहीं पर काम करती है माता जी? वो पार्क में, पार्क में ये काम करती है। आप देख सकते हैं पार्क में काम करती है, मात्र 500 रुपये किराया है ये कमाती है और इनका 500 रुपये किराया है और इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको घर मिला जिसके साथ 24 लाख आदमी को मिला है। सबसे पहली बात, 24 लाख तो दूर, जो एक इंसान जिनका फोटो दिया गया है उनका भी, उनको भी घर नहीं मिला है। और अच्छा ये बताइए कि जब आपको ये पता चला कि फोटो आ गया आपका, जब आप सुन के दिमाग पड़ गए, तो कोई भी इस पार्टी की तरफ से ये न्यूज़पेपर में छपा कोई भी आपसे पूछा कि हाँ ये फोटो हम लोगों ने छापा है? किसी ने आपसे नहीं पूछा है? आपको किसी तरीके से कोई मदद मिला है किसी पार्टी की तरफ से, कोई भी पार्टी की तरफ से? कुछ नहीं जानते भैया, जो हमको खींचा उसको पकड़ के मेरा सामने में लाइए, बस हम यही चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी देवी जी इतना बीमार पड़ गई है, वो मेंटली इतना परेशान हो गई है कि उनका तबीयत बिगड़ गया है। आप देख सकते हैं उनका हालत कैसा है, उनका तबीयत ठीक नहीं है, उनके चेहरे से पता चल रहा है वो कितनी बीमार है। तो आप सोच सकते हैं भाई कि एक आम इंसान जिसका कोई दूर दूर कहीं नाता ना हो, अगर वो फोटो इनका न्यूज़पेपर में आ जाए, मैं बार बार ये न्यूज़पेपर दिखा रहा हूँ, उनका अगर फोटो आ जाए न्यूज़पेपर में, तो आप सोच सकते हैं कि कोई भी इंसान इतना हाईलाइट हो गया भाई कि मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको घर मिल गया, खुशी की बात है। मगर हकीकत तो ये है कि घर तो मिलना दूर, इनका घर का किराया ये अपने जेब से देती है और इनको ये काम करती है पार्क में। आप क्या काम करती है पार्क में? झाड़ू साफ सफाई का काम करती है। तो आप सोच सकते हैं कि इतने छोटे से घर, 8x5 का घर है इनका, इसी में वो काम करती है। मैं आपको अपने रिपोर्टर से, मैं कैमरामैन से कहता हूँ कि थोड़ा आप कैमरा पहन करके इनका घर को दिखाएं, अच्छे से घर का दिखे, घर का स्थिति आप देख सकते हैं। फिर भी आप घर की स्थिति आप देख सकते हैं, छोटा सा घर है इनका, कितना मुश्किल से ये यहाँ पर रह रही है। तो अभी उन्होंने मुझे ये बताया था कि उनको कोई मदद नहीं मिला किसी भी पार्टी की तरफ से और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द ये जितने भी छापा उसको आ जाए। देखिए आपको मदद अभी कुछ नहीं चाहिए, जो मेरा फोटो खींचा है उसको उसको पकड़ कर हम उससे बात कर रहे हैं। आप उनसे बात करना चाहती हैं? जो खींचा है, आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी देवी जी जितने बीमार है वो परेशान हो गई है, वो चाहती कि जिसने ये फोटो खींचा है और वो चाहती कि वो बंदा यहाँ पर आए और उनसे माफ़ी मांगे कि उसने ये ऐसा क्यों किया। आप हमारे एमको न्यूज़ मीडिया की तरफ से आप उनको कुछ संदेश देना चाहती हैं जिसने ये फोटो खींचा है, क्या कहना चाहती हैं? क्या बोलेंगे, वो भैया हमको नहीं देखते, हम उनको नहीं देखते हैं, हम क्या बोलेंगे उनको, हम गलत काहे बोलेंगे, तो मेरा छापा वो गलत है मेरा जी। अच्छा, उसको पोछ के लाएंगे। अच्छा, मेरा का नाम यही है। अच्छा अच्छा, आप देख सकते हैं मेरा लिए कोई गलत नहीं है, मेरा लिए सब अच्छा है जी, जो छापा वो मेरा लिए गलत है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी देवी जी का ये अगर पूछा मेरा काम का है। अच्छा,
अच्छा, आपका कहने का मतलब फिर पूछे आपका ये फोटो क्यों छापा है ना। अच्छा, तो आप देख सकते हैं लक्ष्मी जी भी, लक्ष्मी देवी जी कह रही कि उनको श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो उनको नहीं देखी और वो उन्होंने उनको नहीं देखा है, उनको बिन बताए ये फोटो उनका है। और वो चाहती है कि जिस बंदे ने, जिस रिपोर्टर ने, जिसने भी ये फोटोग्राफर ने ये फोटो खींचा है वो सामने आए और इनसे माफ़ी मांगे, क्योंकि बेकार का ये इनको परेशान किया जा रहा है। सभी लोग इनसे पूछ रहे कि आपको घर मिला क्या नहीं मिला, हकीकी तौर पर इनको घर नहीं मिला है। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि जिस लोगों ने भी अगर किया है